हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इंडियन रेसिपी मैं लेकर के आई हूँ बेसन के लड्डू। ये बेसन के लड्डू बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाने वाले हैं, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। और ये लड्डू बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी अच्छा लगती है, और दिवाली भी आने वाली है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाना। इस लड्डू को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन बन जाती है बहुत ही आसान तरीके से। तो ये कप हमने बेसन लिया, ये मोटा वाला बेसन है। ये कढ़ाई पर मैंने 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल गरम कर लिया है। अब उसमें बेसन डाल करके इसको भून लेंगे। इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे भूने, हाई फ्लेम बिल्कुल भी ना भूलें, वरना ये जल जाएगी। कंटिन्यू हाथ चलाते रहें। और ये देखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा 3 से 4 चम्मच हम देसी घी डाल देंगे। देसी घी से स्वाद अच्छा आता है। अब इसको खूब अच्छे से भून लेना है, कम से कम 15 से 20 मिनट तक। तो इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते रहें जब तक के कलर चेंज ना हो जाए। ये देखिए कलर चेंज हो चुका है और खुशबू भी आने लगी है। तो इसी तरीके से 15-20 मिनट तक खूब अच्छे से भूनते रहें। अब इसमें हम थोड़ा सा 2 से 3 चम्मच पानी डाल देंगे, ताकि इसमें खूब अच्छे से झाग बन जाए। और ये देखिए झाग बनने लगा है। हलवाई लोग ऐसे ही बनाते हैं। ये लड्डू बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। खूब अच्छे से ठंडा हो जाए, उसके बाद इसमें हम चीनी डालेंगे। तो 10-12 मिनट के लिए इसे ठंडा होने दें। और ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसे हाथ से टच करके देखेंगे तो ये बिल्कुल हल्की हल्की सी गर्म है। अब इसमें हम इलायची पाउडर डाल देंगे, और ये पाउडर शुगर है। ये चीनी को ग्राइंडर जार में मैंने पीस लिया था, तो चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। ऐसे मिक्स करके एक बढ़िया सा गोल लड्डू बना लेना है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और जितने बड़े साइज़ को आपको बनाना है उतने बड़े साइज़ से बना लें। तो ये देखिए बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बेसन के लड्डू, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बिल्कुल हलवाई स्टाइल में, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी कैसे लगी। तो नेक्स्ट रेसिपी मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मेरी तरफ़ से आप सभी को हैप्पी दिवाली।